हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज थोड़ी सी बारिश आ रही है, इसलिए मेरे को वो अम्ब्रेला खोलना पड़ा। लेकिन आज का दिन जो है, हम जा रहे हैं सी वर्ल्ड। सी वर्ल्ड गोल्ड कोस्ट में कोई थीम पार्क वगैरह है कुछ, पता नहीं। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, देखूँगा क्या करना जाके। लेकिन आज हम जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं कि हमारी पिकनिक है। पिकनिक इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी की तरफ से सारा कुछ स्पॉन्सर्ड है। बस बुस वो लेके जाएंगे, मतलब 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से वैसे अगर जाना हो तो। बस बस में वो लेके जाएंगे। और जेम्स कुक वाले कह रहे हैं कि कैंपस में बेटा कुछ करने को है नहीं, तो कैंपस के बाहर ही चलो। तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं टिकट्स वगैरह। वैसे $100 की होती है टिकट, आई थिंक सो। $110 का सिंगल डे पास, आई थिंक सो इतना ही होता है, मैंने सर्च नहीं किया। लेकिन वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, फ्री की चीज़ छोड़नी नहीं है। बट मसला एक ही है कि बारिश आ रही है, और बारिश में वहाँ पर सारा ओपन होएगा तो मज़ा नहीं आएगा इतना। देखते हैं बारिश रुकती है वहाँ पर, बारिश आ रही है कि नहीं आ रही गोल्ड कोस्ट में। तो देखते हैं जाके क्या सिस्टम है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से हमको लेके जाएगी बस। तो पुराने जैसे स्कूल में जाते होते थे हम पिकनिक पे, वैसे ही जाएंगे बस में, और यादें थोड़ी ताज़ा हो जाएंगी। एंड दिखाता हूँ आपको क्या क्या रहता है सिस्टम खास। यहाँ से उठाई कॉफ़ी, एंड ये इकट्ठे हो गए बंदे सारे। अभी जूम करके दिखाता हूँ कितने बंदे आ रहे हैं। भाई लाइनें लुइने तो लग चुकी हैं। भाई ये नंबर कौन से बांट रहे हैं, ये कैदी नंबर 1 कैदी नंबर 2। कम ब्रो, यू कम। तो गाइस हम ना पहुंच गए यहाँ पे सी वर्ल्ड पीछे। यहाँ पे हम मछलियाँ देखने आए हैं, जल परियाँ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। मछलियाँ जल परियाँ ब्रो। रोलर कोस्टर था सामने, अच्छा सिस्टम सारा यार, बढ़िया। चल देखो फट रही है भाई इसकी, फट रही है ये। हाय हाय, देखते ध्यान है। हाँ भाई फटी तो नहीं, बट भाई जो उल्टा हो गया ना बंदा झूलता ना पूरा। उल्टी तो नहीं आई? नहीं, मैं इसलिए नहीं बैठा भाई, स्मार्ट होना ना भाई। ये पता नहीं किसी के चाचू खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेट्स डू। $3 की एक गेम है, $6 की दो गेम्स। निकाला चिरा कुछ कर दूँ इस पर, ब्राउन पे। ब्राउन पे जाएगा ही नहीं भाई, तो मिडल वाला देखना। मिडल वाला वैसे नहीं जाएगा, ये वाला ऑरेंज वाला। ब्राउन वाला नहीं आएगा भाई, ये देखो। नहीं ये भी नहीं आएगा पूरा भाई, उस पर देखो भाई। ऑरेंज देख कौन सा, ये वाला ऑरेंज। हाँ नहीं यार, कौन सा उस पर आ रही है ये भाई। ये मेरी बात सुन, वो उतना है ही नहीं। इस पर करूँ वाइट पे? हाथ ही नहीं जाएगा। कोई मिडल वाला देख, नहीं है वाइट वाला। पिंक पिंक पे गया, कोई एक तो आई जाएगा। करूँ ट्राई करके देख ले। जय माता दी। नहीं यार ऐसी होती है यार, चल कोई बात नहीं यार, आप भी ट्राई करना अगर आओ तो। वो भी तो सुंदर होती है, ब्लू ब्लू डॉट्स। बच्चे बेचारे लगे हुए हैं मारी मारने के लिए। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट। सो इनसे ना रेट पूछा, वो डॉल्फिन वाली वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा। डॉल्फिन को टच एंड फील 20 मिनट्स, 189 की वैसे होती है, बट वो डिस्काउंट डिस्काउंट दे देते हैं, 139 की है, मतलब $140 में।
आप डॉल्फिन के साथ खेल वगैरह सकते हो, और जो स्नॉकलिंग भी आप कर सकते हो शार्क्स में, और उसमें स्टिंग रेज वगैरह जो पूल आपको अभी दिखाया ना मैंने, यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा अभी, मतलब वीडियो पता नहीं कैसे बन रही है, यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, तो स्नॉकलिंग भी आप कर सकते हो। स्नॉकलिंग में क्या होता है, मतलब आपको पानी के अंदर जाना होता है, वो पाइप सी देते हैं ऊपर से, ऐसे फोटो लगा दूंगा यार मैं। तो स्नॉकलिंग भी थी बट वो महंगी थी, कितने की बोल रहे थे, 500 समथिंग, 5125, 5000 की, 51 डॉलर्स नहीं, 500 समथिंग की होगी, 512 समथिंग की थी, पता नहीं, अगर मेरे को वेबसाइट पे मिली तो मैं लगा दूंगा, बट जो हमने डॉल्फिन्स का पूछा था वो 139-140 का मिल रहा था। बच्चों के लिए काफ़ी सही है जगह, बच्चों के लिए काफ़ी राइड्स हैं, बड़ों के लिए भी सही है, ठीक है, टाइम पास कर लेते हैं, टाइम पास कराए हम, बाकी फैमिलीज वगैरह ज़्यादा आई हुई हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चलता है, हेलीकॉप्टर राइड भी है, यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगा, प्राइसेस की फोटो खींची है, 80-90 डॉलर में 5 मिनट के लिए है, सही है वैसे एक्सपीरियंस के लिए, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे, मतलब ऑलरेडी बुक था, वो काफ़ी बुकिंग्स चल रही थी, तो बस यही किसी दिन अकेले आएंगे तो हेलीकॉप्टर में भी हो आएंगे, और अलग अलग टूर्स थी 5 मिनट की, 20 मिनट की, 15 मिनट की, शायद यहाँ पर फोटोज़ लगा दूंगा मैं आपके सामने। सो भाई बाहर आ गए हैं, एक्सपीरियंस अच्छा था, फैमिली ओरिएंटेड प्लेस है, हम तो चलो वेले थे हम आगे, लेकिन फैमिली के साथ आओ तो अच्छा ज़्यादा, एंड गुड है भाई, आपने क्लिप्स देखी होंगी, शॉर्ट करके डालूंगा थोड़ी सी, तो दैट्स ऑल, अभी वापस टू यूनी, फिर यूनी के बाद जाएंगे घर, एंड यूनी जाके मतलब एंड करूँगा ब्लॉग, यूनी के बाद घर, एंड घर से फिर काम, तो चलो मिलते हैं फिर। यूनी पहुँच गया हूँ गाइस, तो ब्लॉग यहीं तक था, बस यही एंड करते हैं ब्लॉग, घर पे जाना, घर पे जाके थोड़ी देर सोऊंगा, फिर नाइट शिफ्ट है, एंड देखो यही था बस आज का ब्लॉग, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।